हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग टेक्ला में किस तरीके से जीए ड्राइंग्स इन जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग क्रिएट करते हैं, साथ ही साथ किस तरीके से इसमें हम लोग सेक्शन कट करते हैं, ये दोनों चीज डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर नए यूजर है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपके सामने अगर ये 3D व्यू है, जैसे मेरे पास अभी एक 3D व्यू है, जैसा कि मैंने कल इसको बनाया था, ये मॉडल को अभी और काम बाकी है इसमें। बट अगर इस मॉडल को, सपोज ये मॉडल आपके पास है, इस मॉडल को मुझे जी ड्राइंग बनाना है, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग। तो सबसे पहला काम होता है दोस्तों, यहाँ पे ड्राइंग एंड रिपोर्ट, और यहाँ पे जाके ड्राइंग सेटिंग्स, और यहाँ जाके क्रिएट जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग। क्या है यहाँ पे? जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग। इसकी सेटिंग ठीक कर दीजिए। मैं यूज करता रहता हूँ इसलिए मेरा फिक्स है, मेरा यहाँ पे जी ड्राइंग लिखा हुआ है, सब कुछ सही है, यहाँ पे स्टैंडर्ड है। बट अगर आप नए यूजर हैं तो, मतलब आप पहली बार चला रहे हैं तो शायद आप में नहीं होगा, तो यहाँ कर दीजिए नेम मॉडिफाई एंड कर दीजिए ओके। पहला काम। दूसरा काम, ड्राइंग एंड रिपोर्ट, और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है क्रिएट जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग। क्रिएट जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, बट उससे पहले यहाँ पे देखिए, मेरे पास तो कई व्यू आ रहे हैं। आपके पास क्या आएगा? आपके पास केवल यहाँ पे 3D लिख के आ रहा होगा। अगर आप करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि 3D में तो हम सेक्शन काटेंगे नहीं, हमें कट करना है टॉप से। तो कैसे क्रिएट करेंगे ये जितने व्यू हैं, उसके लिए यहाँ पे राइट क्लिक करिएगा, क्रिएट व्यू अलोंग ग्रिड लाइंस, और यहाँ पे क्रिएट करिएगा। यहाँ से जितने व्यू आप क्रिएट करेंगे, जैसे मुझे अभी किसका चाहिए, टॉप में चाहिए, राइट। तो हमारा ये जो कॉलम का हाइट है लगभग 5 फीट है, सॉरी 5 फीट है, तो इसको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो इससे क्या होगा कि जब हम यहाँ पे क्रिएट ड्राइंग के लिए जाएंगे, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग, आपका जो आपने क्रिएट किया रहेगा वो तुरंत आ जाएगा। तो मेरा आ गया होगा 5000, ये देखिए आ गया 5000। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग फंसते हैं, इसलिए मैंने एक एक चीज क्लियर किया। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको ओपन ड्राइंग पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट कर देना है, फिर थोड़ा सा वेट करना है, और ड्राइंग का पैनल तुरंत ही बदल जाएगा, और आपके सामने पैनल कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आ गया पैनल, ये देखिए, ये आपका क्या है, कॉलम है, ये आपका क्या है, बीच का स्लैब है। इस तरीके से पूरा सेक्शन आ गया आपके सामने। सपोज मुझे इसका, मुझे सेक्शन कट करना है, इस तरीके से मुझे सेक्शन कट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, उससे पहले आप देख लीजिए, ये होता है आपका डायमेंशंस, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, वर्टिकल डायमेंशंस, ये सारी चीजें यहाँ से जो ऑटोकैड वगैरह होती है वही है, तो आप इनको भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी मुझे क्या करना है, क्रिएट सेक्शन व्यू, तो मुझे सेक्शन के लिए क्लिक करना है, और क्लिक करके फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद सेकेंड पॉइंट, और फिर आपको एरिया बताना है कितने एरिया का आप कवर कर रहे हो। मैंने कहा इधर से इतना एरिया और इधर से इतना एरिया। फिर डायरेक्शन बताना है, मैंने कहा ये डायरेक्शन है हमारी, जो भी आपका डायरेक्शन है उस डायरेक्शन पर क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करके थोड़ा सा वेट करेंगे, तो तुरंत देखिए यहाँ पे सेक्शन कट करके आ गया है। अब इस सेक्शन को आप बाहर निकालना चाहेंगे, यहाँ से क्लिक करके बाहर खींच लीजिए इस तरीके से। इसको अगर इस तरीके से बड़ा करेंगे तो देखिए बड़ा भी हो जाएगा यहाँ से, और फिर अगर इसको उठा के लेके जाना चाहें तो ऐसे आप लेके जा भी सकते हैं। अब अगर तुम इसको बड़ा करोगे आप, तो देखोगे यहाँ पे आपको सारे सेक्शन, ये देखिए सामने वाला जो आपका ट्रस्ट दिख रहा था, ये यहाँ पे ट्रस्ट मेंबर्स, वो सारा ट्रस्ट मेंबर यहाँ पे आपको दिखने लगा है, ठीक है। और अब अगर हम इसको यहाँ से इसको बड़ा कर देंगे, इस तरीके से इसको बड़ा कर देंगे, तो प्रॉपर हमें पूरा का पूरा मेंबर्स यहाँ पे दिखने लगा है, राइट। अब हो सकता है आपको केवल एक मेंबर चाहिए, तो आप इसको इस तरीके से ट्रस्ट खींच के यहाँ पे इस तरीके से लगा सकते हैं कि हमको भाई एक ही मेंबर का डिटेलिंग चाहिए, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, आपके मेंबर्स आ जाएंगे फटाफट, और मेंबर्स आने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिए इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से सेक्शन काटा जा सकता है। तो दोस्तों, बहुत ही इजी है इसमें सेक्शन कट करना, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आपको यहाँ पे देखिए ग्रिड की प्लेसिंग है, इस तरीके से ग्रिड इसमें प्लेस हुआ है, और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तब नहीं होता, नहीं तो बहुत ईजी आप इस तरीके से खींच के सेक्शन कट कर सकते हो। और यहाँ पे आपकी ड्राइंग रहेगी, यहाँ पे आप सेक्शन दे सकते हो। ऑलरेडी आपको टेक्ला यहाँ पे अपना नाम वगैरह प्रोवाइड करता है, मीन्स ड्राइंग टाइटल, जीए ड्राइंग वगैरह। तो देखा आपने कितना इजी है इसके अंदर सेक्शन कट करना, अगर आपको क्लियर है कि होता क्या है सेक्शन और काटना कहाँ से है, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोग इसके अंदर बहुत ही इजीली सेक्शन कट कर सकते हैं, और कट करके इसमें डायमेंशंस वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं, और इसका ज़्यादा कुछ भी टफ मेथड नहीं है।
सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या लगेगा आपको, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा लगेगी, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।